Hello students, let's start today's weekly talk with something very interesting and in fact बहुत सारे बच्चों के इस पर हमेशा से मुझे questions रहे हैं. So I'm going to speak about grammar today and that's why I've named this weekly talk as Grammar Geek. Grammar किसी भी भाषा के लिए बहुत important है. सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए आप कि grammar हर भाषा का होता है, कि जैसे हिंदी का ग्रामर हो गया, मराठी भाषा का ग्रामर हो गया, संस्कृत का ग्रामर हो गया, फ्रेंच का ग्रामर हो गया, और हर भाषा के अपने अपने ग्रामर के रूल्स अलग होते हैं. ओके, सो मे बी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो सेम होंगे. जैसे कि हम इंग्लिश में नाउन को हिंदी में नाम कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, तो नाम अलग हो सकते हैं बट कुछ कुछ रूल्स भी अलग हो सकते हैं. सो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो आप कि ग्रामर हर भाषा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर भाषा का ग्रामर होता है. एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच वी कॉल्ड एज ग्रामर. पहली चीज़, किसी भी भाषा का ग्रामर उसका लास्ट पार्ट चेक करने के लिए लिया जाता है. एनहेंसेज द राइटिंग स्किल, जिसका ग्रामर अच्छा है उसके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं. इसीलिए मैं कहती हूँ ना, साहित्य का पुरस्कार लिखने पे मिलता है, बोलने पे नहीं मिलता है जनरली. सो सेम जब आप आपकी कलम लिखते, मतलब कलम उठाते हो लिखने के लिए, सो दैट इज़ द पॉइंट वेयर योर ग्रामर स्किल्स आर बीइंग टेस्टेड. ग्रामर के कई सारे रूल्स हैं. समवेयर यू कैन से दैट द मेनी मेनी रूल्स आर देयर फॉर ग्रामर फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, बट हर रूल को कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. कोई ग्रामर का ऐसा यूनिवर्सल रूल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राहुल के साथ आप क्या लेंगे? इज़. राहुल के साथ आप क्या नहीं ले सकते? आर. राहुल के साथ आप क्या लेंगे? हैज़. राहुल के साथ आप क्या नहीं ले सकते? हैव. ये तो हो गया सिंपल. बट जब भी आई आता है या यू आता है, इसके साथ हम हमेशा क्या लेते हैं? प्लूरल वर्ब. यू ऑलवेज से आई हैव, यू हैव. यू नेवर से यू हैज़, आई हैज़. नो, इट्स रॉन्ग. सो व्हाट आई मीन टू से इज़, हर ग्रामर के रूल को एक्सेप्शन है. जनरली जितने भी ऑलमोस्ट 99% ग्रामर के रूल्स हैं, उसको कोई ना कोई एक्सेप्शन है. ग्रामर तीन कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है. द फर्स्ट इज बेसिक ग्रामर, द सेकेंड इज इंटरमीडिएट ग्रामर, एंड द थर्ड इज एडवांस ग्रामर. बेसिक ग्रामर में क्या आना चाहिए? बेसिक ग्रामर का मैं एक स्पेशली स्लाइड मैंने लिया, उसमें जहाँ पे मैंने ग्रामर के टॉपिक्स मेंशन किए हैं वो बेसिक ग्रामर में इंक्लूड होते हैं. इंटरमीडिएट ग्रामर में आता है जहाँ पे आप स्पीच बदलते हो, वॉइस चेंज करते हो, टेंस के कुछ एक्स्ट्रा रूल्स लेते हो, वो इंटरमीडिएट ग्रामर में आएगा. और जहाँ तक मुझे याद है स्टूडेंट्स, क्लास में मैंने आपको कंडीशनल्स नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था. इफ़ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट आया तो आगे क्या आता है मेन क्लॉज में, इफ़ के साथ सिंपल पास्ट आया तो आगे क्या आता है मेन क्लॉज में, ये मैंने क्लास में पढ़ाया था. दीज आर कॉल्ड एज कंडीशनल्स, और एडवांस ग्रामर का हिस्सा होते हैं कंडीशनल्स. सो देर आर मेनी एडवांस ग्रामर रूल्स ऑल्सो. तो बेसिकली सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि हर भाषा को ग्रामर होता है. ग्रामर ही भाषा की पकड़ है, जो उसके रूट्स हैं, जो भाषा की इंटीग्रिटी जुड़ा के, मतलब बांध के रखता है, दैट इज़ ग्रामर. ग्रामर से आपके लिखने के स्किल्स बहुत इंप्रूव होते हैं, और लिखने के स्किल्स से ही पता चलता है आपका ग्रामर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स. बहुत रूल्स हैं ग्रामर में, और हर रूल को क्या है ग्रामर के? एक्सेप्शन है. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. नाउ बेसिक ग्रामर किससे बनता है? द बेसिक ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? सबसे पहले बेसिक ग्रामर में आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. आई होप यू रिमेंबर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट आई हैव टेकन इन द क्लास. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नेक्स्ट प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. इसकी आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए, और इसकी डेफिनेशन मैंने हिंदी मूवी की तरह आपको समझाई थी. यू रिमेंबर स्टूडेंट्स? सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंगुलर प्लूरल, आपको पता होना चाहिए. अब सिंगुलर प्लूरल कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच का बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए. नाउन का सिंगुलर प्लूरल आएगा क्या? प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल आएगा क्या? एडजेक्टिव को सिंगुलर प्लूरल आएगा क्या? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ 15 रूल्स थे, 11 मैंने क्लासरूम में लिखा के दिए थे आपको, 11 से 12 रूल्स, और 3 से 4 एक्स्ट्रा रूल्स मैंने प्रैक्टिस शीट 1 में लिए थे. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के इन ऑल 15 रूल्स हैं, जो बेसिक हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए.
देन आई हैव टेकन नाउन टाइप्स ऑफ नाउन एंड द रूल्स प्रोनाउन सिमिलरली वर्ब टेंसेस वॉइस एंड स्पीच एडजेक्टिव जिसमें आर्टिकल्स को अलग से लिया था एडवर्ब प्रेपोजिशन कंजंक्शन ये बेसिक ग्रामर है इनके कम से कम आपको डेफिनेशन आने चाहिए और इनके कुछ बेसिक रूल्स आपको पता होना चाहिए और पता होना चाहिए मतलब यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट आपको इसको रट्टा मारना चाहिए अगर ऐसे नींद में 12 बजे भी किसी ने उठा के पूछा बोलो आई के साथ हैज़ आता है कि हैव तो तुम्हारे मुंह से हैव ही निकलना चाहिए हैज़ नहीं आना चाहिए रिमेंबर दिस अंडरस्टूड सो दिस इज द मेजर स्लाइड फॉर बेसिक ग्रामर ये बेसिक ग्रामर आपका कवर होना चाहिए इतना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से क्लास के जो नोट्स हैं वो हार्डली 15 पेजेस के नोट्स हैं जिसमें मैंने बेसिक ग्रामर अलग से कवर किया है तो मैं चाहूँगी कि कम से कम वो 15 पेज तो भी आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए नेक्स्ट लेट्स गो फॉर बुक्स बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मुझे लास्ट वीक थे कि मैम हम ग्रामर के लिए कौन से बुक्स रेफ़र करें जो किताबें मैंने रेफ़र की है ग्रामर के लिए अपने स्कूल में वो दैट इज़ समथिंग जिसको हम कहते हैं ग्रामर की वो भगवत गीता मानी जाती है दैट इज़ ब्रेनन मार्टिन हमने स्कूल में इसी से ग्रामर पढ़ा है कॉलेज में भी इसी से ग्रामर पढ़ा है टीचर भी यही रेफ़र करने को कहती थी बट अब काफ़ी मटेरियल ग्रामर के ऊपर आ चुका है मार्केट में रेमंड मर्फी की भी किताबें बहुत अच्छी है जेन स्ट्रॉस की भी किताबें बहुत अच्छी है तो ये तीन फॉरेन ऑथर्स हैं आप इनको रेफ़र कर सकते हैं लेकिन आपको लगता है नहीं मैम थोड़ा ऐसी भाषा बताइए जो बहुत सिंपल है जिसमें इंग्लिश और हिंदी में ग्रामर के रूल्स मेंशन किए हैं तो वो है नीतू सिंह की प्लिंथ टू पैरामाउंट ये किताब आप अपने पास रखिए आप एसपी बख्शी ले सकते हैं इनमें थोड़ा सा डिटेल में है डेप्थ में है ग्रामर पीसी दास इज़ गुड लूसेंट की किताब अच्छी है कुछ बच्चों ने मुझे और भी दो चार किताबें ला के बताई थी क्लास में यू कैन रेफर दैट ऑल्सो बट जितना हो सकता है मेरा पर्सनल इन सब किताबों में से बैंकिंग के बच्चों के लिए जो वर्नैक्युलर मीडियम्स आए हैं उनके लिए मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप नीतू सिंह की प्लिंथ टू पैरामाउंट रेफर करें ओके हाउ टू स्टडी ग्रामर सबसे पहले आप ऐसे कितने IBPS POs को टैप कर सकते हैं करिए अगर आप SSC के स्टूडेंट हैं तो और उन सब बच्चों से एक बार पूछना कि भाई तुमने ग्रामर के लिए क्या किया आई स्टिल रिमेंबर दिस अ गाय कॉल्ड एज हर्षल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अगर हर्षल का नाम मैं सही ले रही हूँ जो SBI PO में सेलेक्ट हुआ है इन द ईयर 2019 मतलब लास्ट ईयर SBI PO ही गॉट सेलेक्टेड और ये बच्चा ब्लॉग लिखता है इसकी रीडिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है बट स्पेसिफिकली इसका ग्रामर पे कोई हैंड अच्छा नहीं है तो 10 में से 7 नंबर आपको ग्रामर के मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ योर रीडिंग अगर तुम्हारी रीडिंग अच्छी हो तो वो ग्रामर को रिप्लेस कर सकता है लेकिन कितने टक्के तक 70% तक वो रिमेनिंग 30% आपको छोड़ना पड़ेगा फिर यानी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 7 के 7 बराबर आएंगे बेस्ड ऑन रीडिंग नॉट इवन बेस्ड ऑन एनी रूल ऑफ ग्रामर ऐसे कई बच्चे हैं जो IBPS PO में सेलेक्ट हुए हैं SBI PO में सेलेक्ट हुए हैं और अगर आप उनको पूछोगे बेटा नाउन क्या होता है दे कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ नाउन एंड अ प्रोनाउन इतना वीक ग्रामर है बट सेलेक्शन हुआ है इसलिए मैंने पहली लाइन लिखी है कि ग्रामर को एक चीज़ रिप्लेस कर सकती है वो है रीडिंग क्यों रिप्लेस कर सकती है बैंकिंग में ग्रामर को रीडिंग में बता दूँ क्योंकि बैंकिंग में पूछा जाता है स्पॉट द एरर मतलब गलती कहाँ है बताओ जिस बच्चे को रीडिंग की आदत है वो गलती तुरंत पकड़ लेगा कि गलती कहाँ है लेकिन गलती क्या है ये साबित करने के लिए आपको ग्रामर का रूल लगता है लेकिन गलती क्या है बोलकर आता ही नहीं है बैंकिंग एग्जाम में तो रीडिंग पे काम निकल जाता है अप टू 70% ग्रामर का प्रॉब्लम ये सिर्फ एक ही चीज़ सॉल्व कर सकती है वो है रीडिंग यू शुड बी अ विवेशियस रीडर अगर तुमको ग्रामर को हाथ भी नहीं लगाना है तो अंडरस्टैंड द बेसिक ग्रामर फर्स्ट तो मैंने बेसिक ग्रामर के कुछ टॉपिक्स की आपको लिस्ट दी है मेरे हिसाब से आप उतना ग्रामर तो भी कम से कम नीतू सिंह की किताब से पढ़ लीजिए या अगर आपके पास मेरे क्लास के ग्रामर के नोट्स हैं वो तो हार्डली 15 पेजेस का उतने तो भी कम से कम समझ लो लर्न कर लो बाय हार्ट और प्रैक्टिस द बेसिक ग्रामर क्वेश्चंस अभी बेसिक ग्रामर क्वेश्चंस आप नीतू सिंह की किताब से कर सकते हैं या आप एक ग्रामर बैंक बोल के एक वेबसाइट है वहाँ जा सकते हैं टॉपिक वाइज वो आपको दे देंगे रूल्स आप वो फॉलो कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैम ठीक है बेसिक भी हो गया प्रैक्टिस भी कर ली तो अब आपने क्या करना चाहिए तो अब आपने डेली 10 क्वेश्चन स्पॉट द एरर के सॉल्व करने चाहिए अब ये 10 स्पॉट द एरर के क्वेश्चन कहाँ से लें आप कोई किताब मत खरीदो आप सारे क्वेश्चन ऑनलाइन करो काफ़ी वेबसाइट्स पे स्पॉट द एरर के क्वेश्चन अवेलेबल हैं माई पर्सनल फेवरेट्स आर यू कैन गो विद स्मार्ट कीड़ा यू कैन गो फॉर ऑलिव बोर्ड यू कैन गो फॉर टेस्ट बुक यू कैन गो फॉर अड्डा 24/7 यू कैन गो फॉर बैंकर्स अड्डा यू कैन गो फॉर ग्रेड अप तो आपको काफ़ी 10 क्वेश्चन स्पॉट द एरर के कहीं से भी मिल जाएंगे
नोट डाउन द रूल्स इन अ ग्रामर नोटबुक. अभी मैडम मैंने बेसिक तो पढ़ लिया, लेकिन जब आप स्पॉट द एरर सॉल्व करते हैं तो कोई एक ऐसा नया रूल आएगा जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं था. तो ऐसे को जैसे कि आपने एक वोकैबुलरी की किताब बनाई है, अपनी डिक्शनरी खुद की बना रहे हो, वैसे ग्रामर की एक नोटबुक बनाओ, 100 पेजेस की बनाओ. अरे हा तर नवीन रूल आहे, आपण कधीच बघितलं नाही. तर एकदम थोडक्यात त्या रूलला आपण लिहून घ्यायचं. आता थोडक्यात म्हणजे कसं लिहायचं, फॉर एक्झाम्पल, आय जस्ट गिव्ह यू अन एक्झाम्पल. इफ सोबत नेहमीच काय येतो, वर, WERE वर. जेव्हा आपण काहीतरी इमॅजिनरी गोष्ट सांगतो, जब आप कोई इमॅजिनरी बात करते हैं, तो इफ के साथ क्या आता है, वर. फॉर एक्झाम्पल, अगर मैं पेड़ होती तो, सो इफ आय वर अ प्लांट, यू से नॉट, यू से इफ आय वॉज अ प्लांट, इफ आय वर अ प्लांट. तो ये रूल कहीं से मराठी में लिख लिया, हिंदी में लिख लिया, हिंदी इंग्लिश मिक्स मराठी में, कैसे भी आप मिक्स लैंग्वेज में क्यों नहीं होता, अपनी समझ के लिए उस रूल को लिख लें. लर्न द रूल्स. बहुत बार बच्चों, जैसे आप आपके मैथ्स के टेबल्स लर्न करते हो, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 20 का टेबल, 19 का टेबल, उसी तरीके से आपको ग्रामर के रूल्स बाय हार्ट लर्न होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको पूछा 9 टूज़ा, आप इंस्टेंट बोलते हो 9 टूज़ा 18. वैसे अगर किसी ने भी आपको पूछा, अगर इफ़ के साथ सिंपल पास्ट आया, तो आगे क्या आता है, वुड प्लस V1. ये आपको बाय हार्ट इसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए. तो कुछ फॉर्मूलेज मैं मे भी आगे के सेशंस में लूँगी, तो वो फॉर्मूलेज तो भी कम से कम आपको ग्रामर के उतने बाय हार्ट होने चाहिए. अप्लाई द रूल्स बाय कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस. अभी रूल को अप्लाई करो, सेंटेंस खुद बनाओ और रूल को अप्लाई करो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने न्यूज़पेपर में एक सेंटेंस देखा, द मिनिस्टर एंड डॉक्टर, द मिनिस्टर एंड डॉक्टर इज़ रेडी फॉर द मीटिंग. अभी द एक ही बार आया, तो रूल क्या है कि द मिनिस्टर एंड डॉक्टर इज बराबर है, क्योंकि द एक बार आया, तो दोनों मिनिस्टर मंत्री और डॉक्टर एक ही इंसान है. लेकिन अगर मैंने लिखा द मिनिस्टर एंड द डॉक्टर, तो आप क्या लोगे, आर रेडी, क्योंकि यहाँ मंत्री और डॉक्टर अलग अलग हैं. तो अगर आप न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे हो और न्यूज़पेपर में आया द मिनिस्टर एंड डॉक्टर इज रेडी, इसका मतलब आपने एक रूल निकाला. अभी से दूसरा रूल आप क्या बनाओगे, मेक अ सेंटेंस आउट ऑफ इट, द मिनिस्टर एंड द डॉक्टर आर रेडी. सो यू हैव टू यूज़ इट दिस वे. Importance of grammar in banking examination. Students, मेरा personal suggestion ये है कि grammar pre में बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि pre का जो paper होता है वो comprehension based नहीं होता है ज़्यादा. pre का जो paper है वो miscellaneous based ज़्यादा होता है. miscellaneous based यानी vocabulary based, grammar based and a little part of comprehension. लेकिन मैंने हमेशा से कहा है कि मेंस का पेपर जो है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, जहाँ पे वोकैबुलरी और ग्रामर का इतना रोल नहीं है जितना अंडरस्टैंडिंग का रोल है. बट प्री में ज़्यादा से ज़्यादा भार स्पेलिंग एरर्स, वोकैबुलरी, ग्रामर रूल्स इन पे दिया गया है, ताकि बच्चे प्री क्लियर कर सके. इसलिए सो मच इम्पॉर्टेंस मुझे ग्रामर का कहाँ दिखा है, प्री में. कितने मार्क के लिए आता है, 5 to 7 marks प्री में होता है आउट ऑफ द 30 marks क्वेश्चन. 7 से 12 mark के लिए होता है मेंस में, 40 में से. बट ये 7 से 12 का जो मेंस का ग्रामर होता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है. मतलब जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वो तुरंत बता देगा कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है. आपने बैंकिंग का ग्रामर कहाँ से करना चाहिए, तो जैसे मैंने बताया कि आपने नीतू सिंह को रेफ़र करना चाहिए, प्लिंथ टू पैरामाउंट. ये किताब आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पर डालोगे इस किताब का नाम तो इसको आपको फ्री PDF फॉर्म में आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन रेफ़र दैट. प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 topic फॉर 3 days. कुछ बच्चों ने मुझे बता के भी, मतलब ऐसा लगता है कि बच्चे कैसे होते हैं, उनको इतनी जल्दी है. कुछ बच्चों ने कहा, मैडम आपने आपके सारे ग्रामर के 15 पेज पढ़ लिए. कितनी देर में, एक दिन में पढ़ लिया. देखो, पढ़ना अलग है, समझ के पढ़ना अलग है, और पढ़ने के बाद उसको याद करना अलग चीज़ होती है. तो आप एक तो ग्रामर का टॉपिक कम से कम 3 दिन उसके साथ रहें. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आज नाउन शुरू किया, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे मैं नाउन ही करूँगी, सबसे पहले नाउन के रूल्स बाय हार्ट लर्न करें, उन रूल्स को आप अप्लाई करें न्यूज़पेपर में, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में. नाउन के ऊपर आपको ऑनलाइन जितना भी मटेरियल मिल रहा है सॉल्व करने के लिए वो आप करें. फिर आप गूगल पे से स्पॉट द एरर फॉर बैंकिंग एग्जाम ओनली फॉर नाउन रिलेटेड, वो वाले लेकर सॉल्व करें. तो कम से कम एक ग्रामर का टॉपिक आपका 3 दिन तो चलना ही चाहिए, तभी आपको जाके उस टॉपिक की डेप्थ आएगी, वरना नहीं आएगी. अगर आप ऐसे सरसरी से ग्रामर को पढ़ोगे तो आपको नहीं आएगा. यू हैव टू गिव टाइम.
यू हैव टू डाइजेस्ट द टॉपिक कम्प्लीटली बिफोर यू स्टार्ट दी अदर टॉपिक, वरना पूरे रूल्स कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ कौन सा अप्लाई करूँ, यहाँ कौन सा नहीं करूँ. फॉर दैट रीज़न माई हम्बल रिक्वेस्ट इज़ कम से कम 3 दिन तो अभी आपका एक ग्रामर का टॉपिक चलना चाहिए. जो बेसिक ग्रामर की मैंने आपको लिस्ट दी है स्लाइड फॉर्म में, तो आपने कम से कम एक टॉपिक को 3 दिन चलाना चाहिए. सिंगुलर प्लुरल हाँ 3 दिन करूँ, नो इशूज़. रीडिंग इज़ द ब्रिज बिटवीन थियोरी एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर. येस, जैसे मैंने हमेशा से भी कहा है स्टूडेंट्स कि अगर आपने थियोरेटिकल ग्रामर पूरा याद भी कर लिया, और ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है, मैडम तुम्ही दिलेले सर्व पेजेस आम्ही पार्ट केले, आम्ही रूल सगळे पार्ट केले, पण कसं अप्लाय करायचं ते जमत नाही, कारण की तुमची रीडिंग वीक आहे. थेरॉटिकल एप्लीकेशन को सॉरी थियोरी को एप्लीकेशन से जोड़ने वाला एक ही ब्रिज है, और वो है रीडिंग. आपकी जब तक रीडिंग अच्छी होती नहीं, भले ही तुमको ग्रामर के रूल्स बाय हार्ट लर्न है, तुम उसको अप्लाई नहीं कर सकते. द मोमेंट तुम्हारी रीडिंग अच्छी है, तुम बिना ग्रामर के रूल्स की थ्योरी पढ़े भी तुम स्पॉट द एरर सॉल्व कर सकते हो विद 70% एक्यूरेसी. सो रीडिंग इज द ब्रिज बिटवीन थियोरी एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर. क्लास नोट्स ऑफ SSA, अगर किसी स्टूडेंट के पास SSA के क्लास नोट्स हैं तो वो फ़ोटो खींच के मुझे भेजा सकता है, ताकि मैं कुछ बच्चे जो मुझसे नोट्स मांग रहे हैं उनको फॉरवर्ड कर सकूं. एंड इफ़ यू कैन डू दैट इट विल बी अ ग्रेट टास्क. द रीज़न इज स्टूडेंट्स, मैं बहुत सारे रूल्स बुक्स मिक्स करके बच्चों को देती हूँ, ये रूल यहाँ काम आएगा, क्योंकि मेरे स्पेसिफिकली कोई बनाए हुए एज सच नोट्स नहीं है. कुछ एक रूल यहाँ से याद आ गया तो मैं बच्चों को बता देती हूँ. सो मे बी आई डोंट हैव दोज बुक्स, और वैसे भी मेरा सारा स्टडी मटीरियल SSA पे ही है, आई डोंट हैव इट एट होम राइट नाउ. सो नो इशूज़. आप में से किसी भी स्टूडेंट जो ये सुन रहा है उसके पास है SSA के ग्रामर के नोट्स, एक भी चैप्टर मिस नहीं हुआ है, एक लेक्चर मिस नहीं हुआ है ग्रामर का, तो प्लीज़ आप वो नोट्स मुझे फॉरवर्ड करें, ताकि आई कैन हेल्प आउट अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. ओके, सो नाउ लेट्स मूव डाउन टू द नेक्स्ट पार्ट, वीकली टास्क. स्टूडेंट्स, इस वीक मैंने एक नई किताब आपको दी है बुक रीडिंग के लिए, दैट इज़ स्टनिंग सक्सेस बाय रॉबिन शर्मा. आई थिंक अब रॉबिन शर्मा को पढ़ने में मज़ा आ रहा है आप लोगों को, उनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको, और मुझे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी बच्चों के मैसेजेस हैं कि मैम रॉबिन शर्मा को पढ़ने के बाद, उनकी किताबें पढ़ने के बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है. तो मैं चाहती हूँ कि चेंज थोड़ा सस्टेन रहे, काफ़ी समय तक रहे, इसीलिए मैंने स्टनिंग सक्सेस बाय रॉबिन शर्मा ये किताब आज इस वीक में पढ़ने को आपको दी है. आपको टारगेट यही रखना है स्टूडेंट, 1 week 1 book. आर यू क्लियर विद दिस? 1 week 1 book का टारगेट आपको रखना है. वोकैबलरी क्विज अगर आप अपने लाइव सेशन की करना चाहें तो वो कर सकते हैं, आप मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी की वोकैबलरी क्विज कर सकते हैं, आप वोकैब 24 ऐप की वोकैबलरी क्विज कर सकते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट यू कैन डू इट. 2 RC डेली होना चाहिए, नॉट फ्रॉम दी मॉक टेस्ट. अगेन लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर, मॉक टेस्ट के RC नहीं. हाँ, अगर आप मेरे लाइव सेशन के 2 RC करते हैं तो वो भी चलेगा, बट मॉक टेस्ट या क्विज के RC छोड़कर. मॅडम मॉक टेस्ट मध्ये तर RC येतो ना, आम्ही तोच करतो. तो नाही, मी हे वेगळं सांगते, आई वॉन्ट दिस टू बी डन सेपरेटली, नॉट विथ द मॉक टेस्ट ऑर द क्विज. फिर आप कोई भी एक क्विज दें, 15 mark का, 20 mark का, 25 mark का, या 30 mark का मॉक टेस्ट भी आप इंग्लिश का डेली रखें. लाइव सेशन 8 to 9 रखें स्टूडेंट्स. इसमें मैं 7:30 से लेके 8 o'clock तक स्पेसिफिकली मैं इसमें 2 articles देती हूँ, और वो जो 2 articles है वो हमेशा अलग अलग टॉपिक्स पे आते हैं, सो दैट आई वॉन्ट यू टू बी अ वर्सेटाइल रीडर. जैसे कि आज का टॉपिक मैंने लिया था डिजिटल एजुकेशन, कल मैंने आपको डाला था समथिंग रिलेटेड टू क्रिकेट एंड विराट कोहली, उसके पहले मैंने कुछ दिया था जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल्स, उसके पहले कुछ और डिप्रेशन के ऊपर दिया था, उसके पहले कुछ और रिलेशनशिप के ऊपर दिया था. तो मैं काफ़ी अलग अलग वैरायटी के आर्टिकल्स दे रही हूँ, ताकि तुम एक वर्सेटाइल रीडर बनो. तो लाइव सेशन 7:30 को स्टार्ट होता है, जिसमें मैं सबसे पहले 2 articles पोस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं एक ESP का क्विज दे रही हूँ. नाउ व्हाट इज़ ESP क्विज? ESP क्विज इज इंग्लिश फॉर स्पेशल पर्पज. जैसे एक 10 questions डालती हूँ जिसमें सारी वोकैबलरी आती है रिलेटेड टू मेजरमेंट. आज मैंने पूरा मेजरमेंट लिया, कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर या कैन यू गिव मी अ ड्रॉप ऑफ वाटर, क्या डालोगे, ग्लास ऑफ वाटर या ड्रॉप ऑफ वाटर, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. उसके पहले मैंने लिया था पूरा वोकैबलरी क्विज रिलेटेड टू फैमिली रिलेशंस, उसके पहले मैंने लिया था सारा वोकैबलरी क्विज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, उसके पहले मैंने लिया था सारा वोकैबलरी क्विज रिलेटेड टू एनिमल्स, एनिमल बेबीज. तो तुमको ये इंग्लिश फॉर स्पेशल पर्पज अगर आप करोगे तो दैट विल हेल्प यू टू बी वेरी स्पेसिफिक वाइल यूजिंग योर वर्ड्स. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक वाइल यूजिंग योर वर्ड्स. कार्टन कहाँ यूज़ करोगे, जार कहाँ यूज़ करोगे,
ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो इससे तुम्हारी इंग्लिश की शब्दों की स्पेसिफिसिटी बहुत बढ़ जाएगी। ये तुमको अभी नहीं समझेगा, ये तुमको कब समझ में आएगा, जब तुम मेंस की तैयारी करोगे। तुमको कब समझ में आएगा, जब तुम डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का पेपर लिखोगे। न्यूज़पेपर आर्टिकल रीडिंग आपको चालू रखनी है। अगर आप मेरा वो क्या लाइव सेशन कर रहे हो 7:30 से जो होता है, जिसमें मैं 2 आर्टिकल्स डाल रही हूँ, अगर आपने वो किया तो फिर आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल रीडिंग की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइव सेशन 7:30 से कर रहे हो तो फिर आपको 2 एक्स्ट्रा RC अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। 9:30, 9:15 को वोकैबुलरी क्विज अपलोड होता है लाइव सेशन में, यानी वोकैबुलरी क्विज, RC और न्यूज़पेपर आर्टिकल रीडिंग, ये तीनों चीज़ें हट जाएंगी अगर आपने लाइव सेशन ही अच्छे से किया तो। अपना 100% अगर आपने लाइव सेशन में दिया तो RC और आपको न्यूज़पेपर रीडिंग और वोकैबुलरी क्विज करने की ज़रूरत नहीं। तो बुक रीडिंग चालू रखना पड़ेगी, क्विज चालू रखना पड़ेगा और लाइव सेशन। तो इन ऑल दीज आर 6 टास्क, लेकिन आप ये 6 टास्क को 3 टास्क में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपने लाइव सेशन अच्छे से किया, बुक रीडिंग अच्छे से की और क्विज या मॉक टेस्ट अच्छे से दिया तो। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फर्दर, लेट्स गो फॉर द मोटिवेशनल पार्ट। आज मैं जो आपको बात करने वाली हूँ स्टूडेंट्स, आई वांट टू स्पीक ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन किसे कहते हैं, डिसिप्लिन से तुम्हारी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आएंगे और आ सकते हैं। सबसे पहले तो डिसिप्लिन का डेफिनेशन बता दूं। डिसिप्लिन इज़ डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट। डिसिप्लिन यानि वो काम करना जिसकी तुम्हें करने की ज़रूरत है भले तुम्हारा मन ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह 7:30 बजे उठ के 9:30 तक मुझे इंग्लिश का लाइव सेशन करना है, क्योंकि जब मैं वो लाइव सेशन 2 घंटे का करता हूँ तो मेरे न्यूज़पेपर आर्टिकल रीडिंग हो जाती है, मेरे 2 RC हो जाते हैं, मेरी वोकैबलरी की क्विज हो जाती है, मेरा ग्रामर प्रैक्टिस हो जाता है। आपका मन ना करे तब भी अगर आपने वो किया, इसका मतलब यू आर इंटू डिसिप्लिन, यू आर इंटू द फेज ऑफ डिसिप्लिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चीज़ करने का मन ना करे वो चीज़ करना ही डिसिप्लिन है। जे आपल्याला आवडते आपण ते करतो आहे त्याला आपण डिसिप्लिन म्हणत नाही, दॅट इज नॉट डिसिप्लिन। ज्या गोष्टीला करण्याचा आपल्याला वाटत नाही तरी आपण त्याला करतो त्याला आपण डिसिप्लिन म्हणू। मॅडम तो आर्टिकल देती है, मैंने तो उसको पढ़ लिया, लेकिन अगर मैंने उसकी समरी लिखी, लेकिन मैंने अगर उसका GST बनाया तो वो हो जाएगा डिसिप्लिन। गेट दिस थिंग व्हेरी क्लियर। फर्स्ट, मैडम माझा डोकं दुखतोय, माझे पोट दुखतात, हाथ दुख रहा है, सर दुख रहा है, अगर तुम ऐसे एक्सक्यूजेस दोगे, मेरे जान पे आ रहा है, करू सारखा वाटत नहीं, अभ्यास करू सारखा वाटत नहीं, इफ यू आर गिविंग दीज सेंटेंसेस टू युअर सेल्फ, इट मीन्स यू आर नॉट इन टू डिसिप्लिन, यू आर नॉट इन डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन इज डूइंग वॉट नीड्स टू बी डन इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू इट। रीडिंग करने का मन नहीं कर रहा है फिर भी रीडिंग कर रहा हो, दैट इज़ डिसिप्लिन। मैम आज दिन भर खेत में पेरनी चल रही थी, मैंने पेरनी किया और रात में आके फिर इंग्लिश की रीडिंग की, इसका मतलब अब तुम डिसिप्लिन में हो। मैम 7:30 से 9:30 मुझे डैडी के साथ खेत में हेल्प करना था, मैं वहाँ गया, कोई इशू नहीं, रात में आके लेकिन मैडम मैंने 2 घंटे का सेशन पूरा किया, रीडिंग की, बुक रीडिंग और एक क्विज देके सो गया, इसका मतलब अब तुम डिसिप्लिन में हो। डिसिप्लिन इज पेनफुल, ये चीज़ समझ लो पहले। डिसिप्लिन म्हणजे अशी गोष्ट नसणार की जेव्हा तुम्ही डिसिप्लिनमध्ये असतात ना, इनिशियल में तुमको पेन होगा। जब शुरू शुरू में तुम डिसिप्लिन में आते हो तब तुमको तकलीफ होती है। एक बार तुमको वो पेन की मज़े की आदत होगी तो फिर डिसिप्लिन तुम्हारी ज़िंदगी की एन्जॉयमेंट बन जाएगी। तुम अगर एक बार सुबह उठने की आदत डालोगे तो शुरू में तकलीफ होगी, लेकिन तुम अगर बिना अलार्म भी थोड़े दिन के बाद खुद से नहीं उठे तो देखो फिर आप। दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से, डिसिप्लिन इज़ इनिशियली पेनफुल, डिसिप्लिन इज़ डेफिनेटली इनिशियली पेनफुल, बट बाद में डिसिप्लिन तुम्हारी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है ना, मोटिवेशन टेम्पररी है लेकिन डिसिप्लिन एवर लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है। सफ़र द पेन ऑफ डिसिप्लिन और सफ़र द पेन ऑफ रिग्रेट। तो शुरू में जो तकलीफ डिसिप्लिन देता है, या तो वो बर्दाश्त करो, या डिसिप्लिन नहीं होने से जो ज़िंदगी में पछताओगे वो तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। द फर्स्ट साइन ऑफ सेल्फ लव इज सेल्फ डिसिप्लिन। अगर अपने आप से सच में तुम बहुत प्यार करते हो तो तुमको सबसे पहला उसका साइन होती है तुम डिसिप्लिन में हो। इफ़ यू रियली लव योर सेल्फ, इट मीन्स यू हैव टू शो इट थ्रू योर सेल्फ डिसिप्लिनरी एक्शंस। इट इज़ अ की इन्ग्रीडियंट फॉर सक्सेस। सबसे अहम चीज़ मेरे हिसाब से सक्सेस के लिए डिसिप्लिन है, बहुत बहुत ज़रूरी है। लाइफ गेट्स ईजियर विद डिसिप्लिन, ज़िंदगी आसान बन जाएगी अगर तुम्हारे ज़िंदगी में डिसिप्लिन होगा तो।
यकीन जानो स्टूडेंट, ज़िंदगी बहुत आसान बन जाती है, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है, डिसीजन लेना आसान हो जाता है अगर तुम्हारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन हो तो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट्स, डिसिप्लिन का आउट प्रोडक्ट यू कैन से, और द बाय प्रोडक्ट यू कैन से, या डिसिप्लिन का आउटपुट जो आप कह सकते हो, दैट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। वो डिसिप्लिन से ही आएगी। तुम खुद की इज्जत कब करोगे? जब तुम सेल्फ डिसिप्लिन हो, तब तुम खुद की भी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करोगे। सो सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स आउट ऑफ डिसिप्लिन। स्टूडेंट्स, सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ। जिस फेज से हम गुजर रहे हैं, वहाँ पे एक हेवा ज़िंदगी जीना, मतलब दैट इज़ द ओनली लुक्रेटिव ऑप्शन वी हैव। जाने दो ना, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, क्लासेस नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, पीछे चिल्लाने वाली मैडम नहीं है, जो मन में आए करो, कभी भी उठो, कभी भी टीवी देखो, मन में आए तो लाइव सेशन करो, मन करे तो बुक रीडिंग करो, कभी QALR का सेशन करो, कभी ना करो। अगर तुमने इस चीज़ को अपना मतलब अगर तुमने इस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने दिया, इफ़ यू आर यू नो सबमिटिंग योर सेल्फ टू योर विम्स एंड फैंसीज एंड योर डिज़ायर्स, देन नथिंग कैन हेल्प यू। नो बडी ऑन दिस अर्थ कैन हेल्प यू स्टूडेंट्स, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा इंग्लिश में भी एक प्रोवर्ब है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जब तक तुम खुद की मदद नहीं करोगे, ऊपर वाला भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और खुद की मदद करने का मतलब ही होता है यू हैव टू गेट इन टू डिसिप्लिन। डोंट लिव ऑन योर डिज़ायर्स, लिव ऑन वॉट यू एक्चुअली हैव टू अचीव इन लाइफ बेस्ड ऑन योर डिसिप्लिन टाइम टेबल। Understood students? So I really wish you all the very best. God bless you always students, and keep studying. Thank you so much. Have a good time.